जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से, बड़े बयान की बात करेंगे। सुपेबेड़ा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है, किडनी रोगी की मौत पर श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है। जब विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी, तब नियमित रूप से जांच पड़ताल की गई, आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा थी, और जब से मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभाला, ये कह रहे हैं श्याम बिहारी। तो सुपेबेड़ा में डॉक्टर्स की टीम को दौरे के निर्देश दिए गए हैं। गरियाबंद का जो सुपेबेड़ा क्षेत्र है, ये अभी कहीं मैं जब विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय नियमित रूप से जांच पड़ताल, वहाँ की पानी की जांच, वहाँ के लोगों के लिए कई रिपोर्टें आई, कभी कोई आर्सेनिक की मात्रा या उसमें फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा, ऐसे कई बातें आई थी। और जब से स्वास्थ्य मंत्रालय का मैंने प्रभार संभाला है, वहाँ नियमित रूप से जो सुपेबेड़ा क्षेत्र है, वहाँ चिकित्सकों को दौरे करने का और वहाँ की रिपोर्ट लाकर उसको परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया है, और वो परीक्षण हो भी रहा है। हमने बीच में सुपेबेड़ा क्षेत्र में, गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में, उधर में हमने डॉक्टरों को भी पर्याप्त, अभी बीते 3 महीने में हमने डॉक्टर्स भी भेजे हैं, और उसके लिए अभी चूँकि आचार संहिता बहुत निकट था, लग गया आचार संहिता के बाद, उसको विशेष पायलट रूप से हम देखकर सुपेबेड़ा क्षेत्र में जो किडनी की समस्याएं आ रही, किस प्रकार की आ रही हैं, उसको अनुसंधान कराकर हमेशा के लिए उसको समाप्त करेंगे। और सुपेबेड़ा को लेकर ये तमाम बयान दिए गए हैं। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, बड़ा बयान हमने सुना कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, हालांकि कामयाब इसे तभी माना जाएगा जब उस अभिशप्त गांव को मुक्ति मिलेगी। जी, सुपेबेड़ा की बात करें तो यहाँ मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा, और सभी जानते हैं कि किडनी ग्रसित ये गांव है, और किडनी की बीमारी से आज भी कई लोग जूझ रहे हैं। और जो नवीन सोनवानी, जो भी हाल में जिसकी मृत्यु हुई है, वो 2017 से किडनी रोगी था, तो उसका डायलिसिस हुआ और वो उसकी मृत्यु होने के बाद कई तरह के सवाल उठे। और जो ये बड़ा बयान देख रहे हैं कि अब सरकार का ये कहना है कि हमने वहां पर तमाम समुचित व्यवस्था कराए हैं या करवाया जाएगा, तो पूर्व भी जिस तरह हम कहा है, तो बीजेपी की सरकार थी तो कई नेता मंत्री वहां पर गए, कांग्रेस की सरकार जब 5 साल थी तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री तक वहां पर गए, राज्यपाल तक गए, और कई बड़े नेता वहां पर गए, आश्वासन मिला, लेकिन ग्रामीणों की अगर बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें तो वो सिर्फ तेल नदी से स्वच्छ पानी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में जो पानी हैंडपंप से निकल रहा है उसमें आयरन युक्त पानी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस और सही कारण नहीं निकल पाया है कि उस पानी में क्या आयरन है या फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है या फिर कोई ऐसी और तत्व है जो किडनी को डैमेज कर रहा है, ग्रामीणों को स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, तमाम तरह की पहली अब भी मंडरा रहा है। और सुपेबेड़ा में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, सुपेबेड़ा अब बड़ा हो गया है, क्योंकि अब नेताओं के भी बड़े बयान आ रहे हैं। कल ही हमने अगर देखा तो इसमें ताम्रध्वज साहू जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को इस बारे में चिंता करना चाहिए, और वहीं अगर बीजेपी के विधायक रोहित साहू से मैं हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि सरकार इस पर गंभीर है, और वहाँ 74 करोड़ रुपए के कार्य योजना तैयार किए जा चुके हैं, पानी, स्वच्छ पानी ग्रामीणों को मिले, लेकिन जमीनी स्तर, बिल्कुल जमीनी स्तर पर क्या, यही एक सबसे बड़ा सवाल। शुक्रिया आपका। इधर मुंगेली में बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस पर तंज कसा है। तोखन साहू ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर तंज कसा, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज को उम्मीदवार बनाया गया, देवेंद्र यादव ईडी के रडार पर है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, बिलासपुर की जनता सब समझती है, बिलासपुर की जनता उन्हें वापस भेजेगी। तो ईडी के रडार में है, जिनकी अग्रिम जमानत जब्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो घोटालेबाज है, उसको न्यायधानी जैसे लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए हैं, न्यायधानी की जनता उनको रिजेक्ट करेगी, वापस भेजेगी। तो बिलासपुर की जनता सब जानती है और बिलासपुर की जनता उन्हें वापस भेजेगी। तोखन साहू कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं बिलासपुर से, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। और सहयोगी प्रशांत शर्मा मुंगेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देवेंद्र यादव पर एक और हमला। जी,
लगातार देखने को मिल रहा है कि बिलासपुर भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं तोहन साहू लगातार देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन पर निशाना साध रहे हैं और तंज कस रहे हैं। इसके पहले पोस्टर पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, वहीं आज उनके द्वारा कहा गया है कि ईडी के रडार पर हैं देवेंद्र यादव और भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार पर तंज कसा है। साथ ही कहा कि बिलासपुर की जनता, बिलासपुर लोकसभा की जनता सब जानती है और ऐसे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के इन्हें वापस भिलाई भेजेगी। जी ललित, चलिए धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री शुल्क को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, फीस को लेकर राजनीति हो रही है। इस बीच जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भारी भीड़ है। मार्च का आखिरी दिन होने की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन दर पर 30% की छूट की अवधि आज खत्म हो रही है। पंजीयन कार्यालय में लक्ष्य से अधिक राजस्व की आय हुई है। आपको बता दें बघेल सरकार ने 30% तक छूट दी थी, इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी अवधि 31 मार्च यानी आज खत्म हो जाएगी। रायपुर जिलों में जो टारगेट है 865 करोड़ है और अपने परसों तक की जो डाटा है वो 830 करोड़ आ गई है इनकम। अभी 3-4 दिन की इनकम इसमें और जोड़ना है। जो टारगेट है वो करीब करीब पूरा हो जाएगा और आज की जो रजिस्ट्री है आज पूरे जिले में 600 से ऊपर रजिस्ट्री होनी है और रजिस्ट्री प्रक्रिया चल रही है अभी। रायपुर से सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आज आखिरी दिन 30% छूट के साथ रजिस्ट्री करवाने का और मेरा ख्याल है टारगेट तो 3 दिन पहले ही तकरीबन पूरा हो गया है। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। जो लक्ष्य दिया गया था 865 करोड़ का रजिस्ट्री पंजीयक ऑफिस को रायपुर जिले के लिए, तो वो लक्ष्य पूरा हो गया है। 830 करोड़ का जो राजस्व है वो पहले ही मिल चुका है और अभी 2 दिनों की एंट्री है, 2 दिनों की इनकम है वो अभी जो एड करने हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि टारगेट को अभी अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी 600 ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीन की खरीद बिक्री की जो रजिस्ट्री है उसे कराने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। और उम्मीद यही है ललित कि आज देर रात तक पंजीयन दफ्तर है वो खुला रह सकता है, क्योंकि 600 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया है। तो एक अच्छी खबर राजस्व के लिहाज से कही जा सकती है कि जिस तरह से रायपुर में अधिक राजस्व मिल रहा है, कमोबेश अन्य जिलों में भी इसी तरह की स्थिति है। लेकिन एक बात तय है कि अब जो नोटिफिकेशन पूर्ववर्ती सरकार ने जारी किया था 30% की छूट को लेकर के, उसे लेकर वो बंद, आज उसका आखिरी दिन है नोटिफिकेशन का, तो हो सकता है उसका लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये है कि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यही है कि राजस्व की आय पंजीयक दफ्तर में अच्छी हुई है। ठीक, ठीक, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रजिस्ट्री शुल्क में 30% तक की छूट की योजना आज खत्म हो रही है। पिछली सरकार ने यह प्रावधान किया था, शायद सरकार ने यह छूट खत्म कर दी है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ देने के लिए व्यवस्था की थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन की बंदरबांट करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 30% की कटौती की थी। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में कमी कर कांग्रेस माफिया को जमीन बांटने का काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के हित में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की थी। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्यों और किसके लिए ये किया गया था और अब हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी। कांग्रेस ने 152% के माध्यम से अपने खेतों को, भूमाफियाओं को, जमीन का बंदरबांट करने के लिए जो 30% की कटौती की थी वो समाप्त होने जा रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है और आप मार्केट रेट और जो गाइडलाइन रेट है उसमें, गाइडलाइन रेट में भारी कमी करके, 30% की कमी करके कांग्रेस के लोग भूमाफियाओं को अपने चहेतों को जमीन बांटने का काम कर रहे थे और ये 31 मार्च तक उसकी, उनका नोटिफिकेशन का डेट था,
वो समाप्त हो रहा है। और छूट खत्म करने पर कांग्रेस का ये आरोप है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बयान दिया कि कांग्रेस ने आम आदमी के लिए ये छूट दी थी, बीजेपी ने गरीबों के जमीन खरीदने का सपना खत्म कर दिया। जमीन खरीदकर मकान बनाने के सपने कांग्रेस की सरकार ने गरीब आदमी, ठेला खोमचा, छोटे दुकानदार, आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय के जमीन खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए सरकारी गाइडलाइन दर में रजिस्ट्री के दौरान 30% छूट दिया था। इससे बहुत सारे लोग अपने जमीन खरीदकर मकान बनाने के सपने को पूरा किए थे। अब भाजपा के सरकार बनते ही उस 30% छूट को हटा दिया गया है। ये गरीबों के सपनों पर कुठाराघात है। इधर रायपुर में घोटाले के आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। आरोपियों से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। शराब और कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ हो रही है और महादेव ऐप के आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है। ये सभी जो आरोपी हैं वो जेल में बंद हैं। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, इनसे भी पूछताछ हो रही है। स्पेशल कोर्ट से अनुमति के बाद टीम इनसे पूछताछ कर रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के टीम आज तीसरे दिन भी रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। कोल स्कैम, महादेव सट्टा ऐप सहित अन्य जो स्कैम है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों से एक एक करके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये तीसरे दिन है वो पूछताछ जारी है और 29 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक की पूछताछ की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है और अभी फिलहाल कोई भी ब्यौरा एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम देना नहीं चाह रही है और पूछताछ आरोपियों से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और घोटाले के आरोपियों से पूछताछ पर मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया कि जिन लोगों ने घोटाले किए हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ईडी की टीम ने जांच में करोड़ों रुपए और दस्तावेज जब्त किए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और इस मामले पर कोई राजनीति नहीं हो रही। के आधार पर आज जब जिन मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ईडी ने सार्वजनिक की है, कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है, न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है, ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार के में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। यह अनावश्यक उसे राजनीतिक ब्लेम गेम करना चाहते हैं, जबकि भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एसीबी और ईओडब्ल्यू के टीम आज तीसरे दिन भी रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। कोल स्कैम, महादेव सट्टा ऐप सहित अन्य जो स्कैम है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों से एक एक करके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये तीसरे दिन है वो पूछताछ जारी है और 29 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक की पूछताछ की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है और अभी फिलहाल कोई भी ब्यौरा एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम देना नहीं चाह रही है और पूछताछ आरोपियों से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर आईईडी ब्लास्ट में घायल युवक से गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया कि आईईडी किसी को नहीं पहचानता, जानवर और ग्रामीण दोनों ही आहत हो रहे हैं। बस्तर के विकास में आईईडी बहुत बड़ा बाधक है। तारीख कब से है आईडी ब्लास्ट में? ये तो फौज मैंने कोई सुरक्षाकर्मी है नहीं। आईडी किसी को पहचानता नहीं है, ना ही वो सिविलियंस को पहचानता है और ना ही वो जानवरों को पहचानता है। तो जाने कितने जानवर इसमें ख़त्म हुए होंगे, जाने कितने सिविलियंस का ये हाल हुआ होगा। 11 तारीख के को ये घटना होने के बाद इनको रोके रखा गया इसलिए क्योंकि ये बात प्रचारित ना हो, बाहर ना जा सके। ऐसी कितनी और घटनाएं हैं जब गाँव वालों ने दबाव बनाया कि भाई आखिर अंतर ये खत्म हो जाएगा। तब
छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा की जब्ती कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान 75 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे और अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की राशि शराब सामान जब्त किया जा चुका है। 5 करोड़ की नकदी है, 50 लाख रुपए की शराब है, 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ है, 1 करोड़ का सोना चांदी है, 19 करोड़ के बाकी के सामान इसमें शामिल है। जिस तरह से कोई भी इंड्यूसमेंट जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति द्वारा या राजनीतिक कारणों के लिए किया जा रहा होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए जब्ती की कार्रवाई करना है। और ये ध्यान में भी रखना है कि कोई आम आदमी हो, उसके रोजी काम के लिए कुछ नगद का वहन कर रहा होगा, तो उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नगद जो है लगभग सभी विभागों का मिलकर प्रदेश में ये 5 करोड़ से ज़्यादा का नगद जब्ती किया है। जो दारू की जब्ती भी बहुत बड़े पैमाने की है, उसका अगर मूल्य निकालेंगे तो लगभग 50 लाख के ऊपर का मूल्य दारू का भी है।